अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ आज स्टोर में देखी, पुरानी चीज़ें पड़ी हुई। ज़रा बिल्डिंग मटेरियल कुछ ना कुछ बच ही जाता है जब आप घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करें। तो ये कुछ टाइल्स थी सीमेंट की, और ये कुछ जो सी सिरेमिक टाइल्स बची हुई पड़ी थी, बड़ी खूबसूरत हेक्सागोनल ना। तो मेरे जहन में आइडिया आया, मैंने कहा इसे कुछ बनाती हूँ, कुछ इसको डिकोर ही कर लेती हूँ। स्टोर में ऐसे पड़ी हुई हैं बेकार में, तो इसके लिए फिर मैंने ना ये ब्रिक स्टोन्स लिए हैं, इनको वॉश किया, साफ़ किया मैंने। ज़रा ऊपर डस्ट वगैरह तो पड़ी जाती है, तो इस तरह से जहन में था आइडिया कि इस तरह रख के कोई इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी खूबसूरत टाइल को। तो ये देखें, इसके ऊपर हमने इस तरह इसको रख दिया, तो ये छोटी सी हमारी टेबल बन गई। अब इसके ऊपर फिर मेरे जहन में जो आइडिया था, ये देखें इसके ऊपर क्या रखें, तो ये ही मेरे जहन में था कि इसको रखें। ये देखें इस तरह से ये लुक आई है, तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसके साथ ही ये दूसरी जो है इसका भी कुछ कर लेते हैं। तो ये इस तरह हम जो घर में बेकार स्टोर में चीज़ें पड़ी, कई दफ़ा जब जाएं तो उनको हम काबिले इस्तेमाल बना सकते हैं। ये भी देखें, ये हेक्सागोनल हमारी जो अपर फ्लोर है ना, वहाँ पे ये लगाई हुई हैं टाइल्स, तो उसमें से कुछ बची पड़ी थी। तो इसके ऊपर फिर हम इसको रख देते हैं, ये देखें इस तरह से। तो ये कॉर्नर हमारा एंट्रेंस है हमारी, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया। वही बेकार ईंटें हैं, फारीक पड़ी हुई टाइल्स हैं, और मेरे गार्डन में ही खिले हुए फूलों के गमले हैं, वही रख के तो एक नई लुक हमने क्रिएट की है। तो इस तरह से हम बेकार पड़ी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके काफ़ी अपने गार्डन की जो डिकोर है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर देखने में वो होता है कि ये यूज़लेस पड़ी हैं, पता नहीं कब होंगी, इस्तेमाल नहीं होंगी। तो लेकिन हम उनको जब इस तरह यूज़ करें तो फिर पता चलता है कि फारिग पड़ी हुई बेकार चीज़ें भी हम कैसे उनको खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं। बजट फ्री कोई पैसे तो खर्च नहीं हुए, थोड़ा सा टाइम लगा उनकी वॉशिंग पे और सोचने पे। ज़्यादा ऊंचा भी कर सकती हूँ इसको, नीचे और ब्रिक्स रख के, लेकिन इतना ही अच्छा लग रहा है, लेवल पे है ना, बाकी दूसरी चीज़ों के साथ ये लेवल पे आ गया, तो अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ये फूल जो है मैरी गोल्ड और गुले दाऊदी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब तो इन्हीं फूलों ने बाहर दिखानी है। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, ये छोटी सी वीडियो आपसे शेयर की है कि हम इस तरह जो स्टोर में चीज़ें फारिक पड़ी होती हैं, गार्डनिंग में कुछ भी आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी, लकड़ी के टुकड़े, पुराने पाइप, और ये जूट की रस्सियाँ, और प्लास्टिक के खाली डिब्बे, टीन के डिब्बे, तो कुछ भी आपके पास पड़ा है स्टोर में तो वो बेकार नहीं जाता। गार्डन में आप उसको यूज़ करके यूज़फुल बना सकते हैं और अपने गार्डन में नई से नई खूबसूरती क्रिएट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड वो बंदा तो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये नई क्रिएटिविटी आपसे शेयर की मैंने, सिंपल है, वेरी सिंपल, कि आपके पास कोई टाइल्स पड़ी हैं, ब्रिक्स पड़ी हैं, उनको आप इस तरह से एक छोटा सा उसका स्टेप रख बना के वही अपने प्लांट्स जो हैं उस पर सजा दें। जी फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को पसंद करने का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।